टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या रीडिंग है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, कार्ड से देखेंगे कि इस टाइम पर क्या एनर्जीज हो रही हैं आपके पर्सन की, क्या करंट फीलिंग है, क्या सिचुएशन है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की इस टाइम पर क्या एनर्जीज है, या फिर रिलेशनशिप की आपके, या फिर मैरिड लाइफ की आपकी, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, लव लाइफ में है, जो भी एनर्जीज है आपकी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस बना रही हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड कार्ड्स तो आ रहे हैं और कार्ड से लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको उनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि उन्होंने आपको खो दिया है। मतलब आपके पर्सन ने शायद ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट किया है, तो अब उनको इस बात का बहुत पछतावा दुख हो रहा है। और इस कार्ड्स को देखेंगे हम और कार्ड्स लेके राशियाँ मैं बता दूंगी। वैसे भी जो मंगल है वो राशि परिवर्तन कर किया है उन्होंने 16 जनवरी से 26 जनवरी के 26 फरवरी में राशि परिवर्तन है मंगल का, तो मंगल जो है वो शुक्र से युति कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, उसका भी प्रभाव हो रहा है। तो हर राशि पर इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी हर राशि का, कि जो मंगल ने राशि परिवर्तन किया है और जो शुक्र से युति हो रही है उनकी, तो इसका अलग अलग राशियों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है कि जो आपके पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं मिस बहुत कर रहे हैं। राशियाँ आप लोग पहले सुन लीजिएगा अपनी, फिर मैं पूरी कार्ड्स रीडिंग करती हूँ। आज के कार्ड्स तो जो है ना बिल्कुल अलग डिफरेंट्स आए हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना आपको पहले तो बिल्कुल भूल ही गए थे, और अब जो है ना या तो ये जो समय है, समय चेंज हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये तो उस समय का असर है कि उनको आपकी सडनली याद आ गई है और उसका इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है आपके पर्सन के ऊपर, तो उनको जो सारी जो पास्ट में चीज़ें थी वो उनको एकदम से इनके सामने घूमकर आ गई है। तो यहाँ पर क्या क्या एनर्जीज है, मैं सारी एनर्जीज को मैं यहाँ पर रीड करने वाली हूँ। तो मैं पहले आपको राशियाँ बता दूँ ताकि आप राशियाँ सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर एक्वेरियस वर्गो कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि और कन्या राशि। सबसे पहले एरीज मुझे यहाँ दिख रहे हैं, अगर किसी के पर्सन एरीज हैं, एरीज टॉरस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, कैंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और लिब्रा मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लिब्रा वृश्चिक राशि हो सकते हैं, तुला राशि मतलब लिब्रा और वृश्चिक दोनों ही राशियाँ दिख रही हैं, और मीन राशि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो राशियाँ तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो जो वो मैंने आपको बता दी हैं, और मकर या फिर कर्क राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है। लेकिन अगर आपकी राशि नहीं है, बाई चांस की बात है, तो कार्ड से जो एनर्जीज मिल रही है उससे आप अपनी स्थिति का पता लगाकर भी जो है वो इसको देख सकते हैं, और पर्सनली आप कंसल्टेंट लेकर, पर्सनली एडवाइस लेकर आप अपने कार्ड्स निकलवा कर सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें कि आपके आगे जो फ्यूचर है, या फिर जो प्रेजेंट है, पास्ट है, मैरिड है, लव है, रिलेशनशिप, फाइनेंस, कोई भी चीज़, तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं पर्सनली गाइडेंस। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या हो रही है स्थिति कार्ड से, और इस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो जो मुझे दिखाई दे रही मोटा मोटी मैं देख लेती हूँ जो एक नज़र में, वो यहाँ पर जो कि एक पछतावा होता है ना, पछतावा किस चीज़ का, अपनी गलती का। देखिए इस पॉइंट पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग इस चीज़ की भी कि उन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड हैं वो कार्ड मुझे यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पास्ट में या फिर इस टाइम पर भी हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जीज हो कि पर्सन बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, बहुत गुस्से में हो गए हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार बुरा हो गया आपके लिए, ये भी दिखाई दे रहा है। और थर्ड पर्सन के लिए आपको भूले, ये भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को उन्होंने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि वो आप तो बिल्कुल भूल ही गए आपको। यहाँ पर मुझे दिख रहे जब से आपके साथ रिलेशन टूटा है, तोड़ दिया रिलेशन उन्होंने, काफ़ी पुराना
रिलेशन हो सकता है आपका, काफी सालों पुराना भी हो सकता है, काफी महीनों पुराना भी रिलेशन हो सकता है, उन्होंने आपका रिलेशन तोड़ दिया और थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के लिए आपको आपसे मूव ऑन कर लिया, ब्लॉक कर दिया आपको। सोशल मीडिया पर भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा अभी भी कोशिश में लगे हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं, मैं दो कार्ड साथ के लिए और ले लेती हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं वो यहाँ पर यही दिख रही हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की और अभी भी आप शायद कोशिश कर रहे हो। जो आप लोगों की एनर्जीज है मैं बता देती हूँ, तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि आप जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो किसी तरीके से आ जाए। तो आप लोगों में से कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि हैंगमैन वाली सिचुएशन में भी आप लोगों में से कई लोग हो सकते हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब हम करें क्या, क्योंकि वो तो वहाँ से ब्लॉक करके बैठ चुके हैं आपके पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे। यहाँ पर जो मैं डिफाइन कर रही हूँ आपके एनर्जीज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपको जवाब दे नहीं रहे हैं, आंसर दे नहीं रहे हैं, साइलेंस मोड पर आपके पर्सन जो है वो बैठ चुके हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से भी इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कुछ लोगों ने फैमिली की वजह से ब्लॉक किया है। एक यहाँ पर मुझे हंसता खेलता परिवार दिखाई दे रहा है, जिससे वो कहते हैं कि मैरिड लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ में भी, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाई दे रहा है आपके साथ उनका, और जो लव रिलेशनशिप है फिर मैरिड है या जो भी है, लेकिन एक हैप्पी एनर्जीज दिख रही है आपकी, जो कि आपके पर्सन ने या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इस टाइम पर बिल्कुल ब्रोक हो चुकी है, टूट चुकी है, ब्रोकन हो चुकी है। ऐसे एनर्जीज मतलब जैसे कि अगर आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ है, तो आपके पर्सन ने उसको पूरी तरीके से, आपका पर्सन जो है वो उसको छोड़कर चला गया है, ब्लॉक कर दिया होगा। सडनली चेंजेस हुए हैं ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर अगर मैं देखूँ तो सडनली इफेक्ट्स हुए हैं इस टाइम पर आपके रिलेशन में, सडनली मतलब चीज़ें चेंज हुई हैं, सडनली उनका व्यवहार बदला है, सब कुछ जो है वो अचानक से हुआ है, मतलब एक दिन पहले बात की होगी। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ, इस पॉइंट पर भी यही आ रही है कि आप आज भी इंतजार कर रहे हो, उन्होंने अचानक से बात की और दूसरे दिन पता चला कि वो ब्लॉक करके अब कहाँ जो है वो आपसे मुंह मोड़ लिया। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, क्योंकि आपकी जो मैंने बता दी थी वो मैंने बता दी है, आपकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर सॉरी आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, तो अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन चेंजेस हो रही हैं आपके पर्सन की। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि थर्ड पर्सन जिसके ऊपर आपके पर्सन ने ब्लेम भी किया और थर्ड पार्टी की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया आपके पर्सन ने, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, क्योंकि देखो पहले तो वो आपको लेकर सीरियस थे, आपके साथ रिलेशन रखा, ठीक है, कईयों ने तो कमिटमेंट भी किया, प्रॉपर रिलेशन भी निभाया, सब कुछ हर तरीके की चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, आपका और उनका रिश्ता एक गहरा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वही रिश्ता वो एकदम से आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो वो आपका जो रिश्ता जो उन्होंने आपके साथ रखा वो रिश्ता वो आज ऐसे भूले हैं, जिससे कि आपसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तुम कहाँ हो अपनी लाइफ में, जिस इंसान के लिए आपने इतने एफर्ट्स किए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आज हैंगमैन वाली सिचुएशन आपकी इसलिए हो गई क्योंकि आप ना तो उनसे मूव ऑन कर पा रहे हो अपने पर्सन से, और वेट आप इतना ज़्यादा कर रहे हो और कुछ भी सिचुएशन आपके हाथ नहीं लग रही, मतलब ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही, आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई अब आ जाएँ ब्लॉक खोल दें, अब अनब्लॉक कर दें, अब भाई बात कर ले, क्या हो गया बता तो दे, क्यों गुस्सा है बता तो दे, क्या हो गया, किस लिए चले गए। तो यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन आपकी हो रही है, वेटिंग सिचुएशन आपकी हो रही है, आप इंतजार कर रहे हो आपका पार्टनर का, चाहे मैरिड हो लव हो, आप ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो क्योंकि दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स हैं, इतना दर्द है आपके दिल में कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपके पास ऑप्शन हजार होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, एंड आपके पर्सन की वजह से आपका करियर मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि करियर की पर्सन करते हुए या फिर रिलेशनशिप को संभालते संभालते आपका जो ध्यान है वो आपके करियर से हटके आपके पर्सन में पूरी तरीके से लगा हुआ है, जिससे इफेक्ट पड़ रहा है आपके करियर पर, आपकी मैरिज आपकी जो भी लाइफ हो, चाहे आपकी स्कूलिंग हो सॉरी चाहे आपकी कॉलेजिंग हो कॉलेज हो आपका, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका कोई वर्क प्लेस हो, है ना, और या जो एक बिजनेस हो आपका, अब जो भी है आपका करियर पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर पड़ता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशन रखा, कमिटमेंट का टाइम आया तो वो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, या फिर
सडनली उनमें व्यवहार बदल गया, सडनली उनमें जो चेंजेस आए वो चेंजेस आप अभी तक उन चेंजेस को समझ नहीं पा रहे हो, तो आप ना तो उस रिश्ते से, जो भी रिश्ता है आपका, ना तो आप उस रिश्ते से बाहर जा पा रहे हो और ना ही रिश्ते में आप इन हो पा रहे हो। क्योंकि इन इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि वहां से आपके पर्सन जो है वो बिना बताए ब्लॉक करके कर दिया, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए, बिना बताए बिना कुछ बोले साइलेंस मोड पर लग गए हैं, जिनको आप साइलेंस को आप खुलवा नहीं पा रहे हो ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर। लेकिन आप प्रे दिन रात कर रहे हो, तो देखिए प्रे कर रहे हो ना, जैसे मैंने बोला कि आप प्रे दिन रात कर रहे हो क्योंकि प्रे का भी इफेक्ट है। और दूसरी चीज, प्रे से मुझे बहुत अच्छे से आज याद आ गया कि काफी लोग मुझसे कहते हैं मैम मेरे लिए प्रे कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों के लिए एवरी डे प्रेयर करती हूँ, एवरी डे मैं प्रेयर करती हूँ एंजल से, गॉड से, कि भाई आपके पर्सन जो आ जाए। खैर कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पर अभी जो स्थिति हो रही मैंने आपकी बता दी, अभी उनकी क्या हो रही मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपके पर्सन की सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर टावर की एनर्जीज आ रही है, आप भी देख रहे हो टावर सिचुएशन आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस टाइम पर, आपके पर्सन को मेंटली स्ट्रेस यहाँ पर इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी जो एनर्जीज है उससे उनको पछतावा हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा या फिर आपको ब्लॉक किया या फिर जिसके लिए उन्होंने आपसे मुंह मोड़ा, मूव ऑन किया या फिर आपकी लाइफ से गए, वो उनके साथ आपके पर्सन का रिलेशन इस टाइम पर डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। पछतावा उनको इसलिए और बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया। यहाँ पर आपसे कह के तो वो हो सकता है, मतलब आप जो उनकी दशा मुझे दिख रही है कि ब्लॉक करके चले गए सडनली, वो तो गए तो वो इसीलिए थे कि भाई अब मैं वापस नहीं लौटूंगा, और सडनली इन चेंजेस भी आ गए थे, व्यवहार भी उनका आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत बदल गया ये तो बंदा, बिल्कुल पहले वाला रहा ही नहीं है। तो ये सिचुएशन आपने फेस बहुत की है, लेकिन आपके पर्सन आगे गए भी हैं लेकिन वो पूरी तरीके से आगे जा नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हो ये जो बंदा है, जो पर्सन है, ये आगे तो बहुत जा रहे हैं, सोट्स लेकर आगे बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान जो है वो पीछे लगा हुआ है, पीछे देख रहे हैं। आप इनको देखिए, इनके फेस को ही पीछे की साइड देख रहे हैं, मीन्स आपके पर्सन भले ही आगे बढ़ गए हो, उन्होंने आपको मूव ऑन कर दिया, कर लिया हो आपसे, ब्लॉक कर दिया हो आपसे, रिश्ता खत्म कर दिया हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन भी, उनके हालात भी ऐसे होते जा रहे हैं। अब ये भी है, देखिए बहुत से लोग जो हैं वो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा आप लोग याद कर रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है, मतलब आपने दिल से किसी को पुकारा तो उस व्यक्ति ने, जो आपका अगला अदर बैठा हुआ है पर्सन, भले ही उसको उस टाइम पर आपकी याद नहीं आ रही है, पर दिल ने जब उसको बोला तो उसको कनेक्ट हुआ वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जीज को मैं यहाँ पर जो फील कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि जैसे आपके दिल की आवाज़ उनको सुनाई दे गई कि भाई मुझे, मेरा ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुला रहा है, तो मैं कम हो जाऊँ। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, यहाँ पर पछतावा उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि दिन रात सोच रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर काम में उनका भी मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ को वो भी ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, पछतावा उनको इतना ज़्यादा, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वो गलतियाँ जो उन्होंने आपके साथ की हैं, दोहराई हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर उनको, उन्होंने जो किया है ना आपके साथ, जैसे कि यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आज इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि मुझे इतना भी लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है जिसका इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको, आज इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है उनको कि मतलब हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, या फिर आप, आपको कमिटमेंट दे दिया हो, या फिर आप दोनों का, जहाँ तक मैंने देखा है, एक अच्छा मजबूत रिश्ता था जिसमें आपने सब कुछ शेयर भी किया था और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपना भी माना था, वादा भी किया था कि कभी हम अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपके पर्सन ने उन चीज़ों को समझा नहीं, बात नहीं समझी, आपकी भी नहीं समझी, समझाया भी बहुत होगा आपने क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही। तो अब क्या हो रहा है कि अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गई है सारी बातें। अब क्या चल रहा है, अब चल रही है ब्लेसिंग, अब चल रहा है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। भाई दूरियाँ बहुत हैं आप लोगों में, लेकिन जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो वो दूरियाँ नहीं होती हैं, उसमें फीलिंग्स जुड़ जाती हैं ना, तो फीलिंग्स को नहीं चाहिए कुछ भी, फीलिंग्स तो
ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं अगर फीलिंग्स होती हैं तो, है ना, अगर फीलिंग्स होती हैं तो कनेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर फीलिंग्स कनेक्ट मुझे दिख रही है ऑफ कोर्स, तो आपके पर्सन जो है ना वो दिल से आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मान रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी ज़िंदगी में जिससे वो ये समझ चुके हैं अब अच्छी तरीके की भाई आपके अलावा उनका कोई और ऐसा है नहीं, आपके अलावा जो उनकी लाइफ को प्रॉपर तरीके से उनका जो है वो सब कुछ ठीक कर देगा। क्योंकि देखो आपने उनकी फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बहुत कुछ किया है आपने उनकी हर तरीके से, आपने जो भी आप हेल्प कर पाए चाहे किसी भी तरीके की आपने हेल्प की है उनकी, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप उनको याद आ रही हैं क्योंकि अब उनका जो है वो कोई साथ नहीं दे रहा है आपके पास, उनका अकेला अकेला सा अपनी लाइफ में हो गए, अकेली सी जिंदगी हो गई है उनकी। और इस टाइम पर वो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ रो रहे हैं, मतलब रातों में जो रोना, अकेले हो जाना, अकेले ज़्यादा से ज़्यादा अकेले बैठते हैं आपके पर्सन, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अकेले रहना पसंद करते हैं इस टाइम पर। मतलब थर्ड पर्सन अगर है भी उनके साथ में तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये थोड़ी देर के लिए मेरे से दूर चला जाए या थोड़ी देर के लिए मेरे से दूर जाए तो मैं जरा अकेले बैठ के थोड़ा सा, यहाँ पर देख रहे हो ना आपको मैं दिखाती हूँ ये पर्सन कैसे अकेला बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है और अपनी पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें सजो रहा है, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, ये सारी बातें अपने दिमाग में गोल गोल उसकी घूम रही हैं। अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, कुछ कभी कभी समटाइम्स आपकी भी सोच लेता है, फिर सोचता है उसने ठीक बोला था, उसको उसने तो सब बोल दिया था पहले से, उसने तो मेरे को आगाह भी किया था और मैं ही जो है वो नहीं माना या मैं ही नहीं मानी या फिर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में, जैसे मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ कि परेशानियाँ तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही, लेकिन इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। बर्डन अब फैमिली, देखो फैमिली का हो सकता है कोई फैमिली वगैरह हो, उसका प्रेशर बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चे वगैरह हों, मान लीजिए अगर मैरिड हैं आप या जो भी हैं, या फिर थर्ड पर्सन, ज़्यादातर फैमिली मुझे थर्ड पार्टी में दिखाई दे रही है, कोई ही शी मुझे दिखाई दे रही है जो अपना बर्डन आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा लेकर आ रही है। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जीज को अगर मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो बर्डन भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर जो थर्ड पार्टी है उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करके उसको वहाँ से निकलने नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर पछतावा इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर दिया है जो उनको आज बहुत पछतावा सा हो रहा है कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैंने हाथ पकड़ा था तो मुझे निभाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे ये भी दिख रही है कि ये चीज़ के बारे में ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे। तो अभी मैं ये देख लेती हूँ कि अभी जो एनर्जीज आ रही है वो कितना कनेक्ट करेगी और कम बैक वाली एनर्जीज कब तक होगी भाई, और ये रियूनियन वाली एनर्जीज कब तक होगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है और ये जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है और यही एनर्जीज मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एंजल्स जो भी बोलेंगी मैं उन्हीं चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। तो एंजल्स का जो है मैसेज मेरे पास प्रॉपर तरीके से आ गया है आपके लिए। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है। अभी आप देख रहे हो कि देखो पछतावा तो उनको है, अपने किए का पछतावा, उन्होंने जो किया आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया या फिर आपको अचानक से बिना कुछ बोले चले गए, ब्लॉक कर दिया है ना, या फिर आपसे इतना मजबूत रिश्ता रख के भी आपके साथ ऐसे बोल दिया कि आप कौन है, हु आर यू, मैं नहीं, या फिर मैं कैसे आपके साथ रिलेशन रख लूँ, मैं तो थर्ड पर्सन को, मैं तो फैमिली को ज़्यादा मानूंगा आपको, मतलब कुछ भी है ना। जनरल रीडिंग है तो जितनी एनर्जीज आएंगी मैं उतनी बता पाऊंगी आपको, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि भाई तुमने जितना भी, मतलब ये जो एंजल्स हैं वो आपको मैसेज दे रही है, ठीक है गाइस। तो ये मैसेज जो है वो आपके लिए फॉर यू कि भाई आपने जितना भी एफर्ट्स किया हमने देखा, क्योंकि देखो हमेशा आप कितनी मेहनत करते हो, कुछ भी करते हो, ईश्वर देखता है, कहते हैं ना कि यूनिवर्स सबसे बड़ा है यूनिवर्स और वह सब कुछ देखता रहता है। तो उन्होंने देखा, आपने एफर्ट्स किया, आपने कमिटमेंट, आपने वेट किया, आपने इतना कुछ किया अपने पर्सन के लिए, आपने पूरा उस पर फेथ किया, है ना, ब्लाइंड आपने फेथ किया अपने पर्सन के ऊपर अपने, लेकिन उन्होंने फिर भी आपकी बात को नहीं समझा, लेकिन ईश्वर ने तो देखा ना, वो चीज़ ईश्वर ने देखी। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज है कि भाई तुम्हारा जो भी स्ट्रगल था, एफर्ट्स थे, वो मैंने देखे, अब मैं ही सपोर्ट करूँगा, तो मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो यहाँ पर बहुत
खूबसूरत कार्ड आ गया है। और मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, अगर आपकी उम्मीद आज टूट गई है, अगर आप लोग जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है कि भाई थर्ड पार्टी के हाथों चले गए हैं वो और अब कभी नहीं आएंगे, अगर आप ऐसे सोचते हो तो मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि आज से आप ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि एनर्जीज है मेरे पास। देखिए, अब किसी के साथ का जो एनर्जीज है वो जल्दी कनेक्ट होती है, किसी की एनर्जीज समटाइम्स बात कनेक्ट होती है, लेकिन कनेक्ट जरूर होती है। और आज की जो एनर्जीज है, आज बहुत पछता है, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज है आज की एनर्जीज है, इस टाइम पर आप बैठे हो आज, मैं बिल्कुल वो एनर्जीज लेकर आती हूँ जो कनेक्ट करेंट की होती है। ये एनर्जीज बहुत पुरानी नहीं है, जिस भी समय आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी मिलेगी, ये उसी टाइम की एनर्जी है कि आपके पर्सन या तो सेम डे या एक दिन पहले की, ये मतलब उसी टाइम की, घंटे आवर्स के टाइम से आप देख लीजिए कि नाइट में अगर देखा है तो दिन की, दिन में देखा है तो एक दिन पहले की एनर्जीज है, मतलब बिल्कुल करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, कि ऐसे हालात हो रहे हैं उनके, आज इस हालत से गुजर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत अपनी गलती पर पछता रहे, आपसे दोबारा चाहते हैं रिलेशन, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, सब कुछ पहले जैसा वो चाहते हैं, सब कुछ जो भी आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, आर्गियाँ हुई, थर्ड पार्टी को लेकर लड़ाई हुई, वो सब भुला के एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। तो कार्ड तो बहुत प्यारा है, आप खुद देख रहे होंगे, तो एनर्जीज बहुत जल्दी क्लिक करेगी आपके साथ। आई होप सो कनेक्ट करें एंड टेक केयर, बाय बाय।